अन्य पर इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर के थाना संदना इलाके से मिल रही है। बीती रात भाजपा मंडल अध्यक्ष के घर हुए हमले के बाद सीतापुर पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर हमसे इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं अन्य के अपराध संवाददाता अरुणेश अवस्थी। तो अरुणेश जी बताए, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? जी फरमान, आपको बता दें ये काफी बड़ा मामला है और अगर इसे मैं शब्द देने की कोशिश करूं तो दो सियासी रसूखदारों के बीच ये जंग शनिवार देर रात जो है थाना संदना इलाके में देखी गई, जिसमें जैसे जैसे जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं कई सारी बातें जो दबी हुई थी वो निकल कर आ रही हैं। जैसा कि इस मामले पहले तो हम आपको कार्रवाई बताते हैं, जैसा पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई है, इसमें ये जानकारी दी गई है कि 16 नवंबर 2024 को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बेहड़ा में वादिनी मुकदमा दीनू अवस्थी पत्नी सुरेंद्र अवस्थी निवासी बेहड़ा थाना संना के घर पर रात्रि करीब 11 बजे वीरू मिश्रा व उनके दो पुत्र करण अमन व दो बाहरी व्यक्ति दो चार पहिया वाहनों से वादिनी मुकदमा के घर पर गए और जो है उसके पति को घर में घुसकर घूमने लगे और मुकदमा इसमें पूछे जाने पर वादिनी को धक्का देकर जमीन पर गिरा देना और कील भंग करने की चेष्टा करने लगे, मारपीट करने लगे व घर का सामान तोड़ने फोड़ने लगे तथा वीरू मित्रा द्वारा अपने अगलहे से वादी को जान से मारने की नियत से 4-5 फायर करना तथा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाना, ऐसा एक आरोप मढ़ा गया था सीधे थाना पुलिस को तहरीर देकर, जिस मामले में पुलिस के द्वारा जो है 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। काफी हड़कंप मचाने वाला मामला था और मामले में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिण डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह की बाइट भी हमारे पास आई है। सबसे पहले हम दर्शकों को बात सुनाते हैं। बीती रात लगभग 11 बजे थाना संदना क्षेत्र अंतर्गत बेहड़ा संदना गांव निवासी सुरेंद्र अवस्थी के घर पर बीरेंद्र मिश्रा उर्फ बीरू अपने दो पुत्रों व अन्य साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान सुरेंद्र अवस्थी की पत्नी को चोट लगी, जिनका कि मेडिकल परीक्षण कराया गया। यह भी संज्ञान में आया कि वीरू मिश्रा के द्वारा हवाई फायरिंग की गई। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके वीरू मिश्रा उनके दो पुत्रों के सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लाइसेंसी सत्र को भी कब्जे में लिया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के द्वारा इस मामले में जानकारी दी गई है। अब फरमान आपको हम बताते हैं, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने जिक्र किया कि दो रसूखदार पक्षों में ये जंग मानी जा रही है। जैसा कि हम महसूस इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो इसमें मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वीरू मिश्रा, इनका पूरा नाम वीरेंद्र कुमार मिश्रा, पुत्र राम किशोर मिश्रा है। और आपको बता दें काफी इलाके में काफी चर्चित सियासी नाम है इनका और काफी दिनों तक जो है इनके घर में ब्लॉक प्रमुखी रही है इस परिवार में। और आपको बता दें जो वीरेंद्र कुमार मिश्रा है ये बसपा के टिकट पर 90s के दौर में विधायकी का जो है चुनाव लड़े थे तत्कालीन चर्चित नाम जो ओम प्रकाश गुप्ता का बताया जाता है उनके खिलाफ और बहुत ही कम मार्जिन से उनकी हार हुई थी उस समय, तो काफी ये चर्चित नाम है। और उनके जो है ये आपको बता दें इस समय मामला बताया जा रहा है, इस मामले में आपको हम बताएं कि उनका ही भट्ठा जिस पर एक टिंकू सिंह नाम का एक शख्स काम करता था और जैसी सूत्र हमारे दावा कर रहे हैं कि जो टिंकू सिंह है इस पर स्थानीय बड़े जो है सत्ताधारी रसूखदारों का जो है इसे संरक्षण प्राप्त है, जिससे इसका झगड़ा हुआ। पुलिस ने जो है इन पर एक गंभीर जो है धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और इन पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। अगर मैं मुकदमों की बात करूँ जैसे जो धाराओं की बात करूँ फरमान जी, तो इसमें जो धारा DNF की धारा 91(1)(2) की धारा है, इसमें मैंने गूगल कर किया तो देखा कि साधारण दंगे के अपराध में दोषी पाए जाना इसमें 2 साल तक की सजा है। इसके अलावा एक DNF की 191(3) की धारा है जिसमें गैर कानूनी सभा का सदस्य दंगे में घातक हथियार का प्रयोग करता है, ऐसा आरोप इसमें लिखा है और इसमें 5 साल तक की सजा है। और इसके बाद 190 है गैर कानूनी सभाओं से जुड़े मामलों में लगती है, 109(1) हत्या का प्रयास
और इसमें 10 साल से उम्र कैद तक की सजा है। इसके अलावा जो है 74 है तो महिलाओं के खिलाफ हमला करना, 333 घर में जबरदस्ती घुसना, और इसके अलावा 115, 251, 324 ये गंभीर धाराओं में मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। और आपको बता दें जिन 6 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है उनके भी नाम अगर मैं आपको बताऊं तो वीरेंद्र कुमार मिश्रा पुत्र स्वर्गीय रामकिशोर मिश्रा निवासी जोहरिया मऊ थाना खंडना, इसके अलावा करण मिश्रा पुत्र वीरेंद्र मिश्रा और जो है अमर मिश्रा पुत्र वीरेंद्र मिश्रा। इसके बाद आपको बता दें पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई है और इसमें विवेचक उप निरीक्षक मनोज कुमार के द्वारा पूजन जैन पुत्र नीरज निवासी सिविल लाइन थाना कोतवाली नगर, इसके अलावा राजू वाजपेयी पुत्र श्री कृष्ण वाजपेयी निवासी सुल्तानापुर थाना चंदना, करण मिश्रा पुत्र वीरेंद्र कुमार मिश्रा निवासी जोहरिया मऊ, अमन मिश्रा पुत्र वीरेंद्र कुमार मिश्रा निवासी जोहरिया मऊ, वीरेंद्र कुमार मिश्रा पुत्र स्वर्गीय रामकिशोर मिश्रा निवासी जोहरिया मऊ तथा योगेश चांडक पुत्र देवकृष्ण चांडक निवासी शिवपुरी थाना कोतवाली नगर, इन 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा मामले में अभी और जांच पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है, जैसी जानकारी निकल कर आ रही है पुलिस कड़ी कार्यवाही करने वाली है। जी शर्मा जी बिल्कुल, तो यह थी पूरी जानकारी जो कि हमारे सहयोगी एंडे के दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। बीती रात सीतापुर के संदना इलाके में भाजपा मंडल अध्यक्ष के घर 6 अज्ञात 6 दबंगों ने घर में घुसकर हमला किया था और फायरिंग की भी खबरें सामने आई थी, जिसके बाद सीतापुर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया अरुणेश। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।